वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। मेरा नाम है आलिया और मेरे चैनल का नाम है मिस इम्परफेक्शनिस्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हम स्टार्ट करेंगे फेस वॉश से। मैंने वाव का फेस वॉश लिया, आपके पास जो है आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है मैंने फर्स्ट स्टेप है क्लेंजिंग। उसके लिए हम लेंगे कर्ड और हनी यानी शहद और दही इक्वल पार्ट में मिक्स करेंगे और अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करेंगे। 2 से 3 मिनट तक आप मसाज देंगे अपने फेस को और देन उसके बाद आप उसको धो सकते हैं। हनी के भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, कर्ड्स के भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, तो ये नेचुरल क्लेंजर हो जाते हैं आपके फेस पे। इसके बाद सेकेंड स्टेप जाएंगे हम स्क्रब की तरफ। मैंने लिया है ग्रैनुलेटेड कॉफ़ी, देन मैंने लिया है हल्दी और उसके बाद जो क्लेंजिंग का मिक्सचर था वो मैंने इसमें मिक्स किया है ताकि अच्छे से पेस्ट हो जाए। जो दही और शहद का मिक्सचर था उसे हमने पेस्ट बना लिया है, उसको अच्छे से फेस पे मसाज कर लिया है। इसको आप मसाज करेंगे 5 से 7 मिनट तक। आप चाहिए तो ये हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं और पूरा फेशियल आप 2 वीक में 2 बार कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स कितने हैं मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पे दिया है। प्लीज़ गाइज, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मैं ये और ऐसे वीडियोज़ लाऊँ। इसके बाद जो है मैंने DIY टोनर यूज़ किया है। ये कैसे मैंने बनाया है जानने के लिए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, तो उसका अलग से मैं वीडियो बना दूँगी। देन मैंने जो है मसाज के लिए प्योर रॉ हनी आपको यूज़ करना है। इसको मैंने एज अ मसाज जेल लिया है, मसाज क्रीम आप बोल सकते हैं यूज़ किया है। आप चाहिए तो थोड़ा सा बर्फ ले सकते हैं तो थोड़ा कूलिंग इफेक्ट आपको आएगा। देन इसको अच्छे से पूरे फेस पे आपको मसाज करना है। मसाज आपको 10 से 15 मिनट्स तक करना है गाइस। अच्छे से अपने पूरे फेस पे आपको और नेक पे भी मसाज करना है। देन आप चाहिए तो आप ये रख सकते हैं तो आप वॉश भी कर सकते हैं। देन जो हमारे पास क्लेंजिंग का जो पैक मिक्सचर था यानी दही एंड हनी वाला, उसके अंदर हम बेसन मिक्स करके उसका पेस्ट बना लेंगे और फिर उसके बाद जो है हम इसको एज अ फेस पैक अप्लाई कर लेंगे। देन इसमें जो बेसन में भी जो है अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है वाइटनिंग की, कर्ड में भी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है वाइटनिंग की, शहद मॉइस्चराइजिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद जो है आप इसको 10 मिनट तक रखेंगे फिर धो लेंगे। देन मैंने आलमंड ऑयल को एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ किया है एंड इसको अच्छे से मसाज किया है। अगर आप नाइट में करेंगे तो आप करके सो सकते हैं। कैसा लगा ये आपको वीडियो? अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।